है मोबाइल। इस तरह टीएमसी के कैडर के रूप में यहाँ पुलिस थे और लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़े, उसके पास हथियार थे और सभी जो महिलाएं हैं, दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को भी लाठियां खानी पड़ी। महिला को वहां पर महिला पुलिस नहीं थी और महिलाओं को भी मारा गया। उसमें हमारी 3 महिला मतलब बुरी तरह से घायल हुई और साथ ही साथ हमारे जो भाई लोग हैं उनको भी घायल किया गया। और अब जितना भी रोकने की कोशिश करें वो जनता के साथ है, ना रुकेगी, ना थकेगी, ना डरेगी। चाहे इसके लिए लाठियां खानी पड़ी, चाहे अन्याय सहना पड़े, इसके लिए जाने भी जाएंगे। हम महिला मोर्चा इसके लिए तैयार है, आज यहाँ आसनसोल जिला की तरफ से कर रहे हैं। अगर उन लोग नहीं सुधरा तो हम पूरा पश्चिम बंगाल की महिला का आके यहाँ आंदोलन करेंगे, इसकी मांग करेंगे। सीपी को भी आगाह करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि आप सतर्क हो जाए। बड़ी बड़ी भाषा बोलते थे, बड़े बड़े देशभक्त भाषा, कहाँ गई आपकी भाषा? कि इस तरह का हमारा मतलब युवा को सब जहाँ तहाँ से उठा रहे हैं, जेल में भर रहे हैं, कम से कम कहाँ गई आपकी मानवता? इस तरह आप घायल लोग को जेल में डाल रहे हैं। इसलिए हम इसका प्रतिवाद करना है महिला मोर्चा की तरफ से। यहाँ आज शांतिपूर्ण हुआ है, अगर नहीं होगा तो आगामी आने वाला समय में। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।